सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन की प्रसिद्ध कुम्हार गली के कारीगर आज भी मिट्टी के बर्तन बनाने के अपने पुश्तैनी कार्य को संजोए हुए हैं। दूरदर्शन से बात करते हुए मिट्टी के बर्तन के कारीगर चमन कुमार ने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा दशकों पहले मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसे आज भी वो बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी रहता है। चमन के अनुसार पीने के पानी के बर्तनों के अलावा आजकल खाना पकाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन ही तैयार किए जा रहे हैं, और साथ ही मिट्टी के ऐसे भी बर्तन तैयार किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल गैस सिलेंडर के तौर पर किया जा सकता है। हमारे मिट्टी के बर्तनों का काम है सर, तो इसको हमारे पूर्वज शुरू से करते आए हैं और आगे हमने भी इस प्रथा को चलाया हुआ है। तो हम तो लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करें, क्योंकि एक्चुअल अब गर्मी जैसी आ गई है तो इसका जो पानी पिएगा ना जी कोई भी, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गले की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसके पानी से प्यास बड़ी अच्छी बुझ जाती है। आजकल कुकिंग के लिए भी इसमें बहुत सामान आ रहा है, जैसे हमारे पास ये हंडियाँ आ रही हैं, इसमें आप कुछ भी दाल सब्जी साग कुछ भी बनाओ बड़ा अच्छा बनता है। और गैस पे जो चलते हैं बर्तन वो भी आ रहे हैं आजकल, दही जमाने के लिए भी स्पेशल आते हैं। वहीं कुम्हार गली के एक अन्य कारीगर राजेश कुमार ने बताया कि वे सालों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और अब कई तरीकों के मिट्टी के बर्तनों की मांग लोगों से मिल रही है। उन्होंने कहा कि फ्रिज का पानी इस्तेमाल करने से कई रोगों की संभावना बढ़ती है, जबकि मिट्टी के बर्तनों में रखे पानी का इस्तेमाल बेहद गुणकारी होता है। उनका कहना है कि अब मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी नहीं मिल पाती है, और अब ऐसे स्थान भी कम रह गए हैं जहां पर मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा सकें। यह हमारा पुश्तैनी काम है, ये हमारे बुजुर्ग वगैरह करते थे, अब आगे महाराज के टाइम से ही करते थे, और अब यहाँ तो बर्तन बनाने की जगह भी नहीं है और यहाँ पे ना और काम करने की जगह है। शहर के वरिष्ठ नागरिक सुंदरलाल सैनी ने बताया कि नाहन शहर में पुराने समय में राजा ने कुम्हार को बसाया था और आज भी मिट्टी के बर्तन बनाना इन लोगों का पेशा है। उन्होंने कहा कि पहले स्थानीय स्तर पर मिट्टी की खुदाई की जाती थी और बर्तन तैयार किए जाते थे। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर मिट्टी के बर्तनों की विशेष मांग रहती थी और पुराने समय में अधिकतर घरों में मिट्टी के बर्तन ही उपयोग में लाए जाते थे। हमारे बुजुर्ग जो हैं यहाँ पुश्तों से रहते हैं, हमारे पड़ोस में कुम्हारों के जो घर हैं ये महाराज ने कभी किसी वक्त में महाराज ने बसाए थे, और इन लोगों का पेशा जो है यही है। पहले ये सारा काम यहीं से मिट्टी यहीं से खुदाई करके खुद लाया करते थे, और खुद ही यहाँ से जंगल से लकड़ लाके और यहीं पर अपने आवे लगाए हुए होते थे, जिसमें उन भट्टियों में पकाया करते थे बर्तनों को, और फिर बाज़ार में त्योहारों पर दिवाली है और फंक्शन है, जैसे बर्थडे है उसमें कंडेरे वगैरह है, करवे हैं, ये सारे त्योहारों पर इनके बर्तन चला करते थे। ये बात सच है कि मौजूदा परिवेश में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्य बर्तनों के मुकाबले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभदायक है। बस जरूरत है तो आधुनिक तकनीकों के विकास के साथ साथ अपने पारंपरिक तौर तरीकों और उपकरणों में छिपे वैज्ञानिक गुणों को पहचानने और अपनाने की। डीडी न्यूज हिमाचल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।